हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनीटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हाल में ही आप टीजीटी 2016, टीजीटी 2021 और पीजीटी 2021 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप सभी को मालूम है कि अगर आप लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स को देखते हैं, प्रीवियस पेपर्स को देखते हैं और आप कंपेयर करते हैं 2016 से 2021 वाले एग्ज़ाम से, टीजीटी वाला और फिर पीजीटी वाला भी, तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे क्वेश्चन की क्वालिटी में और जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका है उस पैटर्न में आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। यूँ कहिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे सबको, तो मुश्किल से जो 2016 का पेपर है या 2021 का पेपर है, उनमें मुश्किल से 10 से लेकर 20 क्वेश्चन मुश्किल से आ रहे हैं लास्ट ईयर्स के एग्जामिनेशन से। इसका मतलब क्या हुआ, एक नया ट्रेंड आ गया है जो बोर्ड ने यहाँ पर एक स्टैंड किया है, क्वेश्चन के पूछने का एक लेवल यहाँ पर मेंटेन किया है, तो वहाँ पर क्वेश्चन की क्वालिटी में चेंज किया है, क्वेश्चन पेपर को मॉडरेट प्लस क्वालिटी बना दिया है, तो क्वालिटेटिवली और मॉडरेट लेवल पर पेपर को बनाया है। प्रीवियस पेपर को देखते हुए यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि कट ऑफ की जब बात आती है, तो कट ऑफ पहले वाली तो बिल्कुल रहने वाली नहीं है। तो अगर कोई आपको धोखे में रखता है कि कट ऑफ कोई 100 से पार जाएगी, तो ऐसा कोई चांस नहीं है, 100 से पार नहीं जाएगी। बहुत ही कम बच्चे हैं, मुश्किल से बच्चे हैं जो 100 के आसपास हैं, वो चाहे पीजीटी 2016 की बातें कर लीजिए, आप चाहे पीजीटी 2021 की बातें कर लीजिए या पीजीटी 2021 की बातें कर लीजिए, इन तीनों पेपर्स में 100 से ऊपर वाले बच्चे न के बराबर है, बहुत ही कम। हम ये नहीं कहते कि कोई नहीं है, लिमिटेड कुछ बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि उनकी बहुत ज़्यादा हूज है, उनका बहुत ज़्यादा नंबर्स में है बच्चे। तो अब बात आती है कि कट ऑफ आने के चांसेस क्या है। सब आप अपने गैसेज लगा रहे हैं, तो मैंने एक कट ऑफ यहाँ पर बनाई है और मैंने कोशिश किया है कि जो मैंने पेपर को देखा है, उसमें जो क्वेश्चन को पूछा गया है, उसकी क्वालिटी को देखा है मैंने, वो बहुत सारे बच्चों से मैंने डिस्कस किया है, जो मुझसे जो कनेक्ट है बच्चे, तो मैं जब मैंने उनसे पूछा, उनसे कन्फर्म किया, तो जिस बात को मैंने देखा है कि पेपर कैसा रहा है, पैटर्न कैसा रहा है, क्वालिटी क्या थी क्वेश्चन की, क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा था, तो आप सभी जानते हैं, तो उस बेस पर मैंने एक कट ऑफ बनाई है। तो ये अप्रोक्सीमेशन कट ऑफ है, ऐसा मैंने कहा कि 100% ये आएगा, इसमें एक दो मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो अगर मैं पीजीटी 2016 बायोलॉजी की बातें करता हूँ, तो यहाँ पर ये सबसे पहला प्रेजेंटेशन था बोर्ड का, कि अब मैं कैसा स्टैंड खड़ा करने वाला हूँ कंपिटेटर के सामने मैं किस तरह का स्टैंड लाने वाला हूँ, उन्होंने एक पहला प्रेजेंटेशन दिया। तो 2016 का पेपर आप कह सकते हैं कि एक अच्छा पेपर था, मॉडरेट प्लस क्वालिटी पेपर था, उसमें क्वालिटी क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन बहुत ही कम थे। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें जो कैंडिडेट थे, 2016 की बात मैं कर रहा हूँ, टीजीटी और मैं बायोलॉजी की कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो उससे बारे में तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें 67% के आसपास बच्चे एग्जामिनेशन में एब्सेंट थे। तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ जो है आपकी बहुत ऊपर जाने वाली नहीं है, उसमें मुश्किल से 33% बच्चे ही प्रेजेंट थे जो एग्ज़ाम देने वाले थे। तो अगर उन सभी बातों को देखा जाए, पेपर की क्वालिटी को देखा जाए, पेपर पैटर्न को देखा जाए, कुछ क्वेश्चन को लगता था कि इजी क्वेश्चन, इनको घुमाया हुआ क्वेश्चन था, तो उन सब बातों को देखा जाए, तो अगर एक कट ऑफ यहाँ पर मतलब प्रेजेंट की जाए आपके सामने, तो क्या कट ऑफ निकल के आने की संभावना है, तो मैंने यहाँ पर रखी है। जब मैं टीजीटी 2016 की बातें करता हूँ, तो जनरल जो कट ऑफ है आने के चांसेस है 92 से लेकर 96 के आसपास।
92 से 96 के बीच में कटऑफ पाने के चांसेस है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बातें करते हैं, क्योंकि 2016 का ये पेपर है, उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस इंक्लूड नहीं था, 2021 में इंक्लूड हो चुका है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बातें हम नहीं करेंगे। तो अगर हम ओबीसी की बातें करते हैं तो लगभग 86 से 92 के बीच में जरूर उसके पास कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। हो सकता है कि 86 से भी नीचे पहुंच जाए, 84 तक भी पहुंच सकता है, और जनरल कैटेगरी 90 तक पहुंच सकता है। तो मैंने बोला कि 2 मार्क्स का इधर उधर होने के चांसेस है। तो 86 पर 100% जो है उसके पास इंटरव्यू कॉल आनी है। अगर हम एससी कैटेगरी की बातें करते हैं तो एससी कैटेगरी में 80 से लेकर 85 के बीच में 100% चांस है कि उसके पास इंटरव्यू कॉल आएगी। अगर मैं एसटी की बातें करता हूँ, एससी एसटी की आसपास में रहेगी कटऑफ, तो लगभग 80 से लेकर 83 के बीच में कटऑफ होने के चांसेस हैं एसटी कैटेगरी के। बट अगर पीएच कैटेगरी की बातें करते हैं तो 72 से लेकर 78 के बीच में कटऑफ आने के चांसेस है। तो 2016 जो है, तो यहाँ पर मैंने ये कंडीशन रखी है कि क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 67% जो कैंडिडेट है वो एबसेंट, इसलिए कटऑफ नीचे आने के चांसेस है। ये तो बातें थी 2016 के पेपर। जब 2016 का पेपर देकर आए बच्चे, तो सभी को लगा कि ये पेपर पुराने पेपर से बिल्कुल अलग है, अलग हटके पेपर है। तो फिर ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब बात आती है 2021 के एग्जामिनेशन की। जब हम टीजीटी बायोलॉजी 2021 की बातें करते हैं तो ये ट्रेंड अभी रुका नहीं है, ये ट्रेंड अभी रुका नहीं था, बोर्ड ने उसी ट्रेंड को कायम रखा और उसी लेवल पर, बल्कि उससे भी अच्छे लेवल पर क्वेश्चन घुमाकर उन्होंने दिए, उससे भी थोड़ा टफ 2021 वाला पेपर बनाया गया बोर्ड के द्वारा, मॉडरेट क्वालिटी पेपर ये भी था। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी, यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा थे, यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा एबसेंट थे। 67,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, बट उसमें 67% बच्चे एबसेंट थे। तो यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में 95 से लेकर 100 के बीच में कट ऑफ होने के चांसेस हैं, मतलब 2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। जनरल कैटेगरी में 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, 95, 94, 93 तक हो सकता है। जब मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आ गया, क्योंकि 2016 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस इंक्लूड हो जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस के जो चांसेस हैं वो 93 से 96 के आसपास है। तो ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बातें करता हूँ तो 93 से 96 के आसपास है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बातें करते हैं तो 90 से 95 के बीच में चांसेस हैं, 90 से 95 के बीच में चांसेस हैं। जब हम एससी कैटेगरी की बातें करते हैं तो 85 से 90 के बीच में चांसेस है, 85 से 90 के बीच। और इसमें आपको पता है प्लस बात क्या है कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू ख़त्म कर दिया बोर्ड ने टीजीटी में, इस वाले में इंटरव्यू है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो अब अगर हम एसटी की बातें करते हैं तो 83 से 88 के बीच में जाने के चांसेस हैं, थोड़ा सा आसपास में रहता है एससी कैटेगरी। पीएच कैंडिडेट 75 से लेकर 82 के बीच में सिलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी पेपर मॉडरेट प्लस क्वालिटी लेवल था और 2016 के कंपेरिजन में थोड़ा सा हार्ड पेपर था, ऐसा आप कह सकते हैं। बट यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से कटऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा इन कंपेरिजन टू 2016। अब बात आती है पीजीटी 2021 के बारे में। पीजीटी 2021 बायोलॉजी पेपर की अगर हम बातें करें, वो भी मॉडरेट प्लस हार्ड लेवल का पेपर था। वो एक ऐसा पैटर्न था वहाँ पर भी कि क्वेश्चन को इतना घुमाया हुआ था कुछ क्वेश्चंस को कि लगता था कि उसका आंसर ये होना चाहिए, बट उसका आंसर वो नहीं था जो हमें ईजी लग रहा था। उस ईजी क्वेश्चन के जैसे उन्होंने ऐसे घुमाया कि बच्चे मैक्सिमम बच्चे उन क्वेश्चन को गलत करके आए। तो
तो यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत नीचे जाने के चांसेस है। मैं पीजीटी बायोलॉजी 2021 के बात कर रहा हूँ। पेपर क्वालिटी वाला पेपर था, मॉडरेट प्लस हार्ड दे कह सकते हैं, तो वहाँ पर कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस है। और कट ऑफ जाने जो कट ऑफ यहाँ पर रहने के चांसेस है वो क्या है, जनरल कैटेगरी में अगर मैं बातें करता हूँ 90 से लेकर 95 के आसपास उसे इंटरव्यू कॉल आएगी। तो यहाँ पर इंटरव्यू है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं था। ईडब्ल्यूएस की मैं बातें करता हूँ तो 86 से 90 के बीच में आने के चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी में 80 से 85 के बीच में डेफिनेटली कॉल आएगी, 80 से 85 के बीच में। एससी कैटेगरी में 76 से 80 के बीच में इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी इसके आसपास ही रहती है, 75 से 80 के आसपास, बट पीएच में 75 या उसी नीचे भी जा सकती है, 74, 73 तक पहुँच सकती है। तो ये मैंने एक अप्रोक्सीमेटली मैंने एक अप्रोक्सीमेशन कट ऑफ का दिया है यहाँ पर कि नियर अबाउट ये कट ऑफ रह सकता है। तो स्टूडेंट्स आप घबराएं नहीं, कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल डिफरेंट था लास्ट ईयर्स के एग्जामिनेशन से। तो और होप करता हूँ कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा होगा और वो ज़रूर इसमें सेलेक्ट होंगे। और अभी आपके और भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं, अभी GIC का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद फिर LT का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे, है ना, और पॉजिटिव होकर आप लगे रहेंगे। और जिन बच्चों ने बायोमेटा क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। और मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।